Be strong. नमस्कार मित्रों, मैं नमन आज आपको मेघालय का खाना खिलाने जा रहा हूँ। तो चलिए साथ में मिलकर भोजन करते हैं, वो भी मेघालय का। सबसे पहले हमारा विषय सूची आता है। विषय सूची में हमारा भोजनानी लिखा हुआ है, मेघालय भोजनानी। हम भोजन के नाम देखने वाले हैं और उनके बारे में जानने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला खाना जो आता है मेघालय का, वो है जाडोह। एक खासी के लिए जाडोह एक उत्तर भारतीय के लिए बिरयानी की तरह है, जिसमें चावल को मांस के साथ पकाया जाता है, लेकिन मसाले बहुत अलग होते हैं। इसमें बहुत अधिक तेल का उपयोग भी नहीं होता है। आमतौर पर खासी त्योहारों के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा सुबह के समय खाया जाता है। चावल में एक विशिष्ट धातु स्वाद जोड़ते हुए पोर्क या चिकन रक्त डाला जाता है। तो ये था जाडोह की रेसिपी और जाडोह के बारे में। तो चलते हैं अगले खाने की तरफ। तो अगला खाना है हमारा तुडंग रयंबी। तुडंग रयंबी मेघालय के खासी और जयंतीय जनतायों के लिए एक किण्वित सोयाबीन भोजन है। सोयाबीन को तब तक धोया जाता है जब तक कि वे नरम ना हो। उबलने के बाद उपयुक्त पानी निकाला जाता है और फलियां को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। बीन्स को फिर ताजे स्लेट की पत्तियों के साथ पंक्ति बंद बांझ की टोकरी में स्थानांतरित किया जाता है। इसके बाद पत्तियों को पत्तियों के ऊपर लपेटा जाता है और गरम तार कोल को फिर से ऊपर रखा जाता है। इससे पहले कि पत्ते एक बार में लपेटे जाएं, पूरी टोकरी को एक जूट के थैले के अंदर एक चिमनी द्वारा 3-4 दिनों के लिए किण्वन के लिए रख दिया जाता है। जब किण्वन पूरा हो जाता है तो बीन्स को निकाल लिया जाता है और मोटर और मुराल में कुचल दिया जाता है और खा लिया जाता है। तो ये था हमारा दूसरा भोजन। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे भोजन की तरह। हमारा तीसरा भोजन है बैम्बू शूट। ये भी मेघालय में बहुत अच्छा और प्रसिद्ध खाना है। बैम्बू शूट्स खाने योग्य होते हैं। बंदूसा वस्तिनों और फेलीमेटिक फटुलीज सहित कई बांस की प्रजातियां हैं। उनका उपयोग कई एशियाई व्यंजनों और खीरबा में चमियों के रूप में किया जाता है। वे विभिन्न सरुचित आकार में बेचे जाते हैं और खाए जाते हैं। कच्चे बांस के अंकुर में जहर होता है, परंतु जब वह पका दिए जाते हैं तो उसके अंदर से जहर निकल जाता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि हम ये खाना कभी नहीं खाएंगे, पर अगर एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे, ये इतना टेस्टी होता है। तो ये था हमारा आज का आखिरी खाना और इस सफर के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपको अगले सफर में। तब तक के लिए बाय बाय।